बनबसा में वेज खाना खाना है, वेज ढाबे में जाकर वेज कुक के हाथों से बना हुआ है, तो यहां पर जरूर आए खाना खाने के लिए। हाय, आई एम डेविड एंड यू आर वाचिंग DW वॉल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। भाई दो दिन हो चुका है मैंने नॉनवेज खाना छोड़ा हुआ, बिल्कुल त्याग दिया, मन से ही निकल चुका है कि मांस बिल्कुल भी नहीं खाना मुझे। अब यार देखो, किसी को तो नहीं कह सकते हैं मत खाओ खाओ मत खाओ खाओ, दुनिया जो खाए खाने दो, बट हाँ खुद को साफ रखो स्वस्थ रखो। तो मैं आज आया हूँ बनबसा का जो वेज ढाबा है, प्योर वेज मिलेगा आपको खाना, कोई मांस नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई मछली नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई मटन नहीं। तो आप लोग को मिलाता हूँ कहाँ पर है, क्या है और कौन बनाते हैं खाना, उनसे मिलिए और वो जगह को आप लोग को दिखाता हूँ। ये है वेज ढाबा और ढाबा का नाम है जोगा चंद शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से। ये देखिए, इस ढाबे में आपको मांस तो क्या, अंडा बिल्कुल कतई कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि कई बार होता ना कि हाँ मांस खाने वालों के लिए मांस मिल जाएगा, अंडा खाने वालों के लिए अंडा, या फिर वेज खाने वालों के लिए अलग से बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस ढाबे में, इस चूल्हे में मांस नाम का चीज़ बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि ये खुद खाते नहीं है, जो ये अंकल हैं चंद अंकल, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। तो ये शाकाहारी ढाबा है, यहाँ आप लोगों को दाल चावल रोटी सब्जी यही चीज़ मिलेगा। और यहाँ का थोड़ा डेकोरेशन देख लेते हैं, यहाँ का ये सीट अरेंजमेंट है और साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया, साफ सफाई मिलेगा इधर आपको, ये देखिए। और ढाबे की कंडीशन दिखा देता हूँ, ये पूरा प्योर लकड़ियों का ही बना हुआ है। और यहाँ पर बर्तन है कुछ ऐसे रखे हुए, अब एक बार जो यहाँ ढाबा चलाते अंकल जिनका है उनसे बात कर लेते थोड़ा कि यहाँ खाना क्या मिलता है, वेज मिलता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नॉन वेज मिलता है, क्या मिलता है। अंकल नमस्कार। अच्छा खाना, ये ढाबा जो आपका दुकान है होटल, मांस वाला ढाबा है या साग सब्जी वाला है? साग सब्जी मिलेगा। अच्छा मीट अंडा कुछ? वो कुछ नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ हाँ मीट वालों के लिए मीट बनता है या फिर सब्जी वालों के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं, जो और जगह होता है ऐसा? मतलब आपकी दुकान में, आपके ढाबे में प्योर वेज मिलेगा? और वेज में क्या क्या बनाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी, जो वेज में आता है सभी चीज़ें। तो कहने का मतलब है जो भी बनबसा में वेज खाना खाना चाहें, प्योर वेज इस ढाबे के अंदर बिल्कुल कतई मांस मछली का नाम नहीं लिया जाता है, ना बनता है, ना ये खुद खाते हैं। आप खुद खाते हैं? मैं खुद नहीं खाता हूं। अंडा मछली कुछ खाते हैं? ना कुछ नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत बढ़िया है कि बनाने वाले भी खुद वेजी हैं। तो भाई यहाँ पर आए और वेज खाना ज़रूर खाने। सो गाइस, जो भी बनबसा आ रहे हो और स्पेशली नेपाल रोड में बाहर के, या नेपाल से आ रहे हो या फिर अदर स्टेट से नेपाल की तरफ या बनबसा में एंटर करते हैं, और वेज खाना चाहिए, और वेज खाना भी कैसे कि कई लोगों का डिमांड होता है ना कि वेज ढाबा भी चाहिए होता है, बनाने वाला भी वेज ही चाहिए, कि वो भी ये नहीं कि यार आप कई होता है ना मांस खाने वाला वेज खाना बना रहा है, या फिर ढाबा ऐसा है कि वहाँ सब कुछ बनता है वेज वालों के लिए वेज और नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज, बट ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं ढाबा भी बनाने वाला भी वेज आदमी चाहिए, ढाबे वेज चाहिए, तो वो लोग उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ढाबे का नाम है जोगा चंद ढाबा, जो नेपाल रोड में है NHPC गेट के ठीक सामने। तो यहाँ पर आने का मतलब है कि आपको प्योर वेज मिलेगा, बनाने वाले भी वेजी हैं, ढाबा भी वेजी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो खाने का प्लेट सिस्टम है ना, कोई महंगा नहीं है, हाई फाई नहीं है, वेज थाली जो लगेगा मात्र 50 रुपये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।